देखो, हम मैंने अभी पुनः पहले भी बोला कि हम भाजपा के सिपाही हैं, हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, देश भी तैयारी कर रहा है कि पुनः मोदी जी को 2024 में चुना जाए, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। और आप ये समझ लो कि जैसे केजरीवाल जी सर अपने लगे हुए हैं कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना है, मोदी जी अपना केजरीवाल जी आप हिंदुस्तान के नेता नहीं, बाहर के नेता भी आप इकट्ठे कर लो, तब भी मोदी जी का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 2024 में 400 प्लस सरकार बनेगी मोदी जी की। संजय जी, अगर जैसे बात करें दिल्ली में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये कमजोर वाला मामला संगठन का है, ये संगठन जाने, और 2024 में हमें संगठन को मजबूत करके 2024 का कैसे भी करके सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है, मोदी जी की झोली में डालनी है। जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इससे? चोरों से बचो, डकैतों से बचो, लुटेरों से बचो, मोदी जी को अपनाओ, मोदी जी ही स्वच्छ है, मोदी जी ही स्वच्छ है। कौन चोर कौन लुटेरा? देखो, मोदी जी 2014 से जब भी प्रधानमंत्री बने, आप सबको भी मालूम है कि देश कितना तरक्की करे, और मैंने कुछ मुद्दे भी शॉर्ट में आज आपको ब्रीफ में बताए, लेकिन विपक्ष से उसका जो संघ है वो कभी द्वारका पहुंचने वाला नहीं है, उसमें गड़बड़ी हर जगह होते, और उसका तो काम ही यही है कि जो मोदी जी की एक एमपी मेंबर अपनी सीट लाए, अच्छीर सर्कल की है, एंड तो उनको सपोर्ट मोदी जी की योजना में कार्डियोलॉजिस्ट, जो आयुष कार्ड स्टेट बीजेपी इंप्लीमेंट उसकी उस जो नाम कर रहे उसको योजना स्टेट में नहीं, और उसके कार्ड रहता है, कुछ कहा जाती है खुद के जेब से खर्च है, चार का एनजीओ प्लास्टा है। तो मैं ऐसा बोलता कि जो मोदी जी ने जो रास्ता बताया वो रास्ते पे सब गवर्नमेंट चले, क्योंकि इसके लिए करे, खुद नहीं करता, वो विपक्ष को भी बताऊँ अपनी मोदी जी की वो आप में भी लागू, और आप मिलके मोदी जी को जैसे लार्जेस्ट भी आगे जाना संदेह।